सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आया हूँ बॉम्ब शेल्टर में, और बॉम्ब शेल्टर में आते ही मुझे इतनी अच्छी लूट मिली है ना भाई। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मज़ा ज़रूर आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और गाइस, मैं यहाँ पर आते ही देखता हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा पहले से आके सारी चीज़ें लूट के चला जा चुका है। फिर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें पैंट्स वेंट्स थे उसको इक्विप किया, और जब ही मैं नीचे जा रहा था तब मुझे एक बंदे की डेड बॉडी मतलब डेड चेस्ट मिली। उससे मुझे बहुत सारी गन्स और बुलेट्स और बहुत सारा खाना बहुत कुछ मिला भाई, मैं तो खुश हो गया एकदम। और देखते हैं, और मुझे और भी नीचे जाना है, और यहाँ पर मैंने रूम्स वगैरह भी किए थे। चलो इस ज़ॉम्बी को भी मार देते हैं जल्दी से। चलो गाइस, चलो गाइस, मैंने इस बंदे को भी मार दिया है, और इसके पास वो बंदे के पास से मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया गन भी मिली है। अभी मुझे यहाँ पर नीचे चलना है, और उसके पास से मुझे बहुत सारी बुलेट्स भी मिली हैं, और एक कटाना या फिर नाम तो मुझे नहीं पता, मंचेंट या फिर वही कुछ है, वो भी मुझे मिला है। और नीचे तक जाके देखते हैं कि और भी कुछ सामान है कि नहीं। पहले मैं इस ज़ॉम्बी को मार लेता हूँ। चलो ये तो हो गया। अभी मुझे यहाँ से एक ग्रीन कार्ड भी मिला है, तो बहुत ही बढ़िया काम हो चुका है। और यहाँ पर से इसको भी मार देते हैं। सामने ही मुझे एक एमो चेस्ट भी दिख चुके हैं, तो जल्दी से देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, देखते हैं कि क्या मिलता है। ज़्यादा बुरा भी नहीं मिला है, मिला है अच्छा खासा। इसको भी तोड़ते हैं। इससे मुझे हमें एक SMG भी मिल चुकी है। मेरे पास पहले से एक SMG थी, तो एक और SMG भी मिल गई, तो ये बहुत ही बढ़िया काम हो चुका है। अभी के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो चुका है। अभी जाते हैं सामने के लिए और देखते हैं कि और भी कुछ मिलता है कि नहीं। मुझे यहाँ पर एक रूम दिख चुका था। मैं पहले यहाँ पर जो रेसिपी की बुक मिली थी या फिर जो भी है उसको मतलब ले लिया। मुझे एक लैडर की रेसिपी मिली थी, और यहाँ पर मुझे एक रूम भी दिख चुका था। मैंने इसको ऑन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे पहले जनरेटर को ऑन करना था। मैंने अभी जनरेटर को ढूंढना शुरू कर दिया था, और फाइनली मैंने जनरेटर को ढूंढ के उसको ऑन करने के बाद मैंने रूम को भी ओपन कर दिया था। अंदर जाने के बाद मैंने सारे सप्ली चेस्ट को तोड़ा, ज़्यादा अच्छा नहीं मिला लेकिन मिला थोड़ा सा, और मेरा बैग पूरा फुल हो चुका था, तो मैंने कुछ चीज़ें को फेंक दिया, और ये तो बेकार की चीज़ है, मैंने उसको फेंक दिया। और यहाँ पर एक SMG के बैरल थे उसको भी ले लिया, यहाँ पर स्पेयर्स और भी बहुत कुछ है उसको भी ले लिया। और इसको तोड़ के देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ स्पेयर काम किया और कुछ भी नहीं। यहाँ पर से मुझे एक इंजेक्शन या फिर जो भी है वो मिला। अब यहाँ से मुझे यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से चलते हैं बाहर को और देखते हैं और भी कुछ मिलता है कि नहीं। गाइस, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकला तो मुझे एक डिसमेल्टर करने की वो मशीन दिखी, और मैंने इसमें नोटिस ही नहीं किया कि इतनी सारी चीज़ें थी। मैं बस उसको ओपन करने के बाद वहाँ से चला गया। कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ भाई, मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया था, जल्दी जल्दी मैं भाग गया। भाई साहब, इतना बड़ा बेवकूफ़ भाई। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं यहाँ से बाहर को। और यहाँ पर मुझे देखा था एक ट्रेडिंग जोन, वहाँ पर एक बाइक था, वहाँ पर वो बाइक सिर्फ 1000 कॉइन्स में मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि वो बाइक भी बाय कर लेते हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पर ही, और जल्दी जाके उसको बाय करते हैं। ट्रेडिंग जोन में जाने से पहले मैं आ चुका था अपने बेस में, मेरा बैग पूरा फुल हो चुका था, इसलिए थोड़ा बैग को खाली करने के लिए और मैंने एक लार्ज चेस्ट भी बनाई थी, तो उसमें सारा जो भी चीज़ें थी वो लगा दिए। और यहाँ पर मेरे पास एक लाइट भी थी, मैंने उसको भी लगा दिया, थोड़ी रोशनी भी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास एक ग्रीन कार्ड और एक पर्पल कार्ड भी था, मैंने उसको रख दिया और थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखी, उसके बाद मैं चला गया एकदम सीधा ट्रेडिंग जोन में। ट्रेडिंग जोन में तो पहुंच गया था, और अभी मैं जा रहा हूँ उस बाइक के पास, उस बाइक को बाय करने के लिए। जल्दी से देखते हैं कि कहाँ पर है वो बाइक, और मुझे लगता है कि इसी में होगा, तो जल्दी से इसको यूज़ करते हैं और देखो मुझे मिल गया, और इसको बाय भी कर लेते हैं। लगता है हमारी इन्वेंट्री में वो आ चुका है, और अभी देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो गन्स वगैरह हैं, तो मेरे पास अभी स्पेयर्स तो नहीं है, मुझे स्पेयर्स की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको भी मैं बाद में ठीक कर लूँगा। स्पेयर्स का भी जुगाम हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, मैं जुगाम क्या बोल रहा हूँ भाई,
छोड़ो वो छोड़ो, अभी जल्दी से चलते हैं हम बाहर को, और बाइक में बैठ के हम चलते हैं अपने बेस की तरफ। बहुत ही मज़ा आने वाला है बाइक चलाने में, और जल्द से बाइक को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो चलो ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसमें हम फ्यूल डाल लेते हैं और जल्दी से इसमें ड्राइव करते हैं, जल्दी से चलते हैं। और मुझे यहाँ पर नहीं पता था कि बाइक्स पहाड़ों पे नहीं चलते हैं, और यहाँ पर जाते ही मेरी बाइक पहाड़ पे नहीं उठ रही थी। आप लोग देखो यार क्या ही हो रहा था। देखो भाई एक तरफ से वुल्फ आके हमको मार रहा था, और बाइक क्या है ऊपर वो चढ़ ही नहीं पा रही थी। सो मैंने कुछ जुगाड़ करके उसको इस तरफ से अपने बेस की तरफ लेके गया। सो गाइस मैं तो अपने बेस के पास आ चुका था, और यहाँ से मुझे नीचे उतारना था इसको, और क्या ही हुआ भाई देखो। चक्कर आने लग गया अब। भाई साहब मैं तो बच गया, अभी मुझे जल्दी से इस बाइक के लिए एक जगह बनानी पड़ेगी। सो जल्दी से एक जगह भी बना देते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, और इस दम जो फ्यूल थे वो भी निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम एक इसके लिए एक जगह बना देते हैं। सो यहाँ पर इसको लगाते हैं। नहीं भाई ये नहीं लग रहा, सो जल्दी से करते हैं। सो मैं इसको भी तोड़ देता हूँ, और यहाँ पर मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, और जहाँ पर भी नहीं लग रहा तो मैं इसको छोटा करके लगा दिया था। सो इसको भी ऐसे लगा देते हैं, और इसको मैंने गलत लगा मतलब तोड़ दिया तो फिर से इसको लगा दिया है। अभी इसके ऊपर हाफ वॉल लगा देते हैं। और मैं ये सब कर ही रहा था तब मुझे एक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं थोड़ा वहाँ पर गया, और मेरा जो ट्रैप था उसके ऊपर मेरा पैर लग गया था। सो मैं बहुत मेरी बहुत हेल्थ कम हो गई थी। सो मैं बेस के अंदर आया, अपने को हीलअप किया, और जल्दी से बाहर गया और देखने लगा कि कौन है कि नहीं है, लेकिन कोई नहीं था। तो मैं फिर से काम चालू कर दिया अपना, और यहाँ पर मुझे एक गेट लगाना था। तो जल्दी से पहले इसको हम उस बेस के अंदर रख देते हैं, उसके बाद ही गेट लगाएंगे। सो जल्दी से चलते हैं और धीरे धीरे अंदर ले जाते हैं। चलो ये तो हो चुका है, अभी मुझे यहाँ पर एक गेट लगाना है। सो जल्दी से चलते हैं, लगा देते हैं, और भाई लग जा। हाँ ये लग गया, अभी ये बहुत ही बढ़िया हो चुका है। इसको अपग्रेड करने के लिए हमें 2000 स्टोन्स चाहिए भाई, कीमत बहुत है भाई। सो प्रोटेक्शन भी वैसे ही होगी, तो उसको भी छोड़ते हैं। अभी जल्दी से स्टोन भी ले लेंगे, और मैंने यहाँ पर एक लॉक भी बना लिया है, स्टोन भी ले लिया है। तो अभी बाहर चलते हैं और जल्दी से उसको अपग्रेड भी कर देंगे। मैंने यहाँ पर पासपोर्ट भी लगा दिया, इसको अपग्रेड भी कर दिया, बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तो मैं गाइस इसको तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़े वाले वॉल्स भी लगाने हैं, तो मैं ये सारे तोड़ देता हूँ और यहाँ पर वॉल्स भी लगा देता हूँ। और गाइस यहाँ पर मेरे वुड्स भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं अभी वुड्स को थोड़ा माइन करके ले आ जाता हूँ। और यहाँ पर मेरे सारे वुड्स भी माइन हो चुके हैं, ये लास्ट ट्री है, इसको तोड़ के मैं जाने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़े स्टोन्स की भी ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पर स्टोन्स भी माइन कर लिए थे, और अभी मैं जाने वाला हूँ उसको लगाने के लिए। वो वॉल एक छूट चुका था मेरे से, तो वो भी लगा देते हैं। अभी जाते हैं ऊपर की सीलिंग लगाने के लिए। सो गाइस सारा काम तो हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पर सीलिंग्स भी लगानी थी, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो रही थी कि वो ज़रा ऊंचा चला गया था, मतलब ऊपर में हो गया था, और ये ज़रा नीचे में। सो मैंने दिमाग लगाया और उसको तोड़ने की सोची, और मैंने ये पूरा बना लिया, और ये देखने में अभी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और कोई भी इसको अभी ले नहीं जा सकता। मैंने यहाँ पर अपनी बाइक के लिए बहुत ही बढ़िया जगह बना दी है। अभी गाइस ये तो बहुत ही बढ़िया हो चुका है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ ऐसी और नहीं इससे भी बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।